वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास टेंथ के बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग जो है 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एज ए टेस्ट लेकर चलें, और जितने भी वो मार्क्स को सिक्योर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आउट ऑफ 20 उन्होंने कितने क्वेश्चंस को सही टिक किया है। ठीक है, इससे आप लोगों के जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिशेस हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन देयर हर्ट। अब फिशेस में जो है कितने चैम्बर का हर्ट पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। फिशेस में जो है 2 चैम्बर का हर्ट प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ब्लड है एक बार इसका फ्लो होता है, 1 time ब्लड का फ्लो होता है। तो अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि फिशेस में कितने बार जो है ब्लड का फ्लो होता है, तो ह्यूमन बींग्स में 2 बार ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन फिशेस में सिर्फ 1 ही बार ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट इन ब्लड्स। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन बताना है ब्लड में। तो ऑप्शन ए 2 प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्म्स, ऑप्शन बी 2 ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी 2 हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्लड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, टू हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, कि जब रेस्पिरेशन होता है तो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, ऑप्शन बी एल्वेलाई ऑफ लंग्स, ऑप्शन सी एल्वेलाई एंड थ्रोट, ऑप्शन डी थ्रोट एंड लैरिंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, कि हमारा जो लंग्स हैं, लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्वेलाई के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4th, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट ड्यू टू। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, कि जब जो है क्रिकेटर्स की जो है मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, उनकी मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, तो ऐसा किस वजह से होता है। तो ऑप्शन ए कन्वर्जन ऑफ पायरवेट टू एथेनॉल, पायरवेट जो है हमारा एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन बी कन्वर्जन ऑफ पायरवेट टू ग्लूकोज, पायरवेट जो है हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन सी नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरवेट, ऑप्शन सी में बोल रहा है कि जो है ग्लूकोज का कन्वर्जन ही नहीं होता है पायरवेट में। ऑप्शन डी में बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ पायरवेट टू लैक्टिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग जो है एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन बींग्स की जो मसल सेल्स होती हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस कमी की होने की वजह से क्या होता है कि जो पायरवेट है ये लैक्टिक एसिड को फॉर्म करता है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम इज एब्सेंट इन सलाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल बी अफेक्टेड। क्वेश्चन में ये बोल रहा है स्टूडेंट्स कि अगर हमारी सलाइवा में जो है सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगी। तो ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, विटामिन का एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगा। ऑप्शन बी एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगा। ऑप्शन सी फैट्स ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी में बोल रहा है स्टूडेंट्स जो हमारा फैट है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि जो हमारा फूड है स्टार्च, स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर्स। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज जो है ये बेसिकली हमारे फूड का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टार्च है दैट इज़ इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये हमारा फूड क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो स्टार्च का ब्रेक डाउन नहीं होगा शुगर में। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को जो है करेक्ट पैटर्न में लगाना है, जिससे जो है स्टूडेंट्स हम लोग जो है यूरिन का करेक्ट सीक्वेंस बता सके अपनी बॉडी में। ठीक है, तो ऑप्शन ए किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरेथ्रा एंड 4th यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन बी में बोल रहा है स्टूडेंट्स किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरेटर।
ऑप्शन सी में बोल रहा है स्टूडेंट्स किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि सबसे पहले जो है किडनी में हमारी यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। किडनी से हमारी जो यूरिन है विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स की हेल्प से ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचती है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में इसका स्टोरेज होता है, यहाँ पे ये हमारी स्टोर हो जाती है स्टूडेंट्स, और फाइनली यूरेथ्रा की हेल्प से ये हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसके करेक्ट पैटर्न को देखें तो सबसे पहले किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी, दैट इज किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 7, द कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। अब जो स्टूडेंट्स हमारा ब्लड होता है उसका कलर किस वजह से होता है, तो ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑप्शन सी, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेंड इन पैनक्रियाटिक जूस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोगों को बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है पैनक्रियाटिक जूस में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को 4 पार्ट दिए गए हैं और इनमें से हम लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, लिपेस, सेकंड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड में म्यूकस और फोर्थ में ट्रिप्सिन। तो ऑप्शन ए में बोला है फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन बी में बोला है फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, ऑप्शन सी में बोला है सेकंड एंड थर्ड सही है, और ऑप्शन डी में बोला है फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो आप लोगों ने जब स्टूडेंट्स पढ़ा होगा डाइजेशन तो वहाँ पे देखा था कि जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस थे, जो भी हमारे पैनक्रियाटिक जूस थे ये बेसिकली क्या थे, ये लाइपेज थे और ट्रिप्सिन थे। तो बचा क्या है स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहीं से डायरेक्टली दिख रहा है कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचा और म्यूकस बचा। तो यहाँ पे हम लोगों से क्या बोल रहा है कि कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है पैनक्रियाटिक जूस में, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड और थर्ड। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि सेकंड और थर्ड कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द सब्सटेंस फ्रॉम इट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोगों को स्टूडेंट्स एक ऐसी प्रोसेस बतानी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लड से जो है जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको सेपरेट कर देते हैं बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है किडनी ट्रांसप्लांट, ऑप्शन बी बोल रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी बोल रहा है डायलिसिस एंड ऑप्शन डी बोल रहा है हाइड्रोडायलिसिस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी, डायलिसिस। डायलिसिस स्टूडेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम लोग जो है आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों को जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेन एक्सक्रीटरी यूनिट के बारे में बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रिडिया, ऑप्शन सी नेफ्रॉन्स एंड ऑप्शन डी किडनीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे नेफ्रॉन और किडनी दोनों दिया हुआ है, न्यूरॉन एंड नेफ्रिडिया तो होंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सक्रीटरी यूनिट, यहाँ पे आप लोगों से यूनिट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जब भी यूनिट के बारे में पूछेगा स्टूडेंट्स तो हमारा नेफ्रॉन होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सक्रीटरी यूनिट। अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछता है स्टूडेंट, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछता तो यहाँ पे ऑर्गन जब हो जाता तो इसका आंसर क्या हो जाता स्टूडेंट, किडनी हो जाता, ठीक है। तो हमेशा जब भी एक्सक्रीटरी यूनिट पूछेगा तो आप लोगों को नेफ्रॉन बताना है, क्योंकि नेफ्रॉन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन ही ब्लड की प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्लांट यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी टू अकॉम्प्लिश द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि प्लांट्स जो हैं ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो है एनर्जी का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ऑप्शन ए वाटर एंड मिनरल्स, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी वाटर मिनरल्स एंड फूड एंड ऑप्शन डी फूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ फूड। जब मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स जो है जाइलम और फ्लोएम पढ़ाया था और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोएम पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया था स्टूडेंट्स कि जो हमारे फ्लोएम होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एनर्जी का यूज़ करते हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए प्लांट्स यूज ओनली पुश और पुल फोर्स, पुश एंड पुल फोर्स,
ठीक है। तो इसमें अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो प्लांट्स जब पुश और पुल फोर्स का यूज़ करते हैं, जब एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाटर और मिनरल्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द ब्लड कोगुलेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है या जो ब्लड हमारा कोगुलेट होता है वो किसकी हेल्प से होता है। ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी ब्लड प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करना हूँ, इनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 13, आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स कार्ट। अब स्टूडेंट्स जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं ये बेसिकली किसकी हेल्प से कनेक्टेड होती हैं, हम लोगों को यहाँ पे ये बताना है। तो ऑप्शन ए सीव ट्यूब्स, ऑप्शन बी वेना कैवा, ऑप्शन सी कैपिलरीज एंड ऑप्शन डी वॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स हमारी कैपिलरीज की हेल्प से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमेशा पूछा जाता है और इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि पूछा जाएगा। मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में कहाँ पर अकर होता है। ऑप्शन ए लीफ में, ऑप्शन बी स्टेम में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में और ऑप्शन सी गार्ड सेल में। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। स्टूडेंट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी पेनक्रियास, ऑप्शन सी लिवर एंड ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जो हमारा बाइल जूस है इसको कौन सिक्रेट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी लिवर क्या करता है, लिवर जो है बाइल जूस को सिक्रेट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इंटू। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ऑप्शन सी एमिनो एसिड्स एंड ऑप्शन डी स्टार्च। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जब डाइजेशन प्रोसेस होती है, डाइजेशन प्रोसेस के बाद जो है हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, बेसिकली हम लोग जो प्रोटीन्स लेते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी एमिनो एसिड्स। हमारे प्रोटीन्स का कन्वर्जन किस में हो जाता है स्टूडेंट्स, हमारे एमिनो एसिड्स में हो जाता है। हमारे फैट का कन्वर्जन किस में होता है, फैट हमारा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च हमारा जो है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स फूड ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द वाइट फ्लूड इन द ब्लड इज। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे जो ब्लड में वाइट फ्लूड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी लिम्फ, ऑप्शन सी ब्लड प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, व्हाइट कलर की होती हैं और क्वेश्चन में व्हाइट फ्लूड पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, द ओनली आर्टरी विच कैरीज द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि एक ही ऐसी आर्टरी होती है जो स्टूडेंट्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो जब मैंने आप लोगों को हार्ट पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को 10 टाइम्स ये बताया था कि ऐसी कौन सी आर्टरी होती है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो इसके लिए आप लोगों को पॉइंट्स को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमारी क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जो हमारा ब्लड है वो हार्ट में उसका बैक फ्लो किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सेप्टा, ऑप्शन बी वाल्व्स, ऑप्शन सी आर्टरीज और ऑप्शन डी वेंस। तो आप लोगों ने जब हार्ट पढ़ा होगा स्टूडेंट्स तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि हमारे लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड हेयर इट इज कॉल्ड द बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ये वॉल्व क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली वॉल्व जो है ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने कितने मार्क्स सिक्योर करे हैं आउट ऑफ 20, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे तरीके से कर ले जा रहे हैं इसका मतलब आप लोगों का जो चैप्टर है उसके सभी कॉन्सेप्ट सब क्लियर हैं और आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से जो है पेपर में
मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन है 120/80 mmHg, ऑप्शन बी 140/100 mmHg, ऑप्शन सी 130/60 mmHg एंड ऑप्शन डी 140/70 mmHg। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80 mmHg। ठीक है, ये हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, और ये हमारा क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा।